नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप 1000 या 500 लीटर की टैंकी का कनेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। कनेक्शन आपका सेम होगा, जो भी इसमें सामान लगेंगी सेम लगेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 1 इंची का गेट वाल है, आप इसे वॉल भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास टेक्नेपल है 1 इंची में, और यहाँ पर यूनियन आपको मिलेगा 1 इंची में लेना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर टी लेना होगा, तो टी आपको 2 पीस लगेगा। और यहाँ पर आपको टेक्नेपल 20 mm में लेना होगा। और हम यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों प्लेन एल्बो और टेक्नेपल, दे सकते हैं हमारे 20 mm में। और यहाँ पर सुलेशन ले लेना होगा और यूनियन हमारी 20 mm में। तो बस दोस्तों यही आपको सामान लगेगा। इसके बाद चलिए दोस्तों हम टंकी को अब होल करना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आग को जला लेना होगा, तो देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 नेपल लेना होगा, एक हमारी 1 इंची में और एक हमारी 1/2 इंची में। इसके बाद हम इसको गर्म करेंगे, देख सकते हैं हमारा गर्म हो चुका है। और यहाँ पर आपको इस तरह से रखकर टंकी में होल कर लेना होगा। तो ये देखिए हमारा होल हो चुका है, इसी तरह से आपको घुमाकर भी होल करना होगा। तो जो हमारे पास किनारे किनारे जो प्लास्टिक लगा रहता है इसको आपको फुल एकदम प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लेना होगा। साफ करने के बाद अंदर से आपको चूड़ी के द्वारा कस देना होगा। इसके बाद इसका कनेक्शन कैसे होता है वह हमको बताएंगे। तो फटाफट हमें 3 इंची का एक निप्पल काटना होगा, देख सकते हैं हमारा निप्पल कट चुका है। इसके बाद हमें सुलेशन लगाकर इसको जाम कर देना होगा। सुलेशन आपको दोनों साइड लगाना होगा, इसके बाद घुमा को आपको लगा देना होगा। अब हम यहाँ पर वॉलीबॉल लगाएंगे, तो देख सकते हैं हमारा 1 इंची में वॉलीबॉल है, हमारा लग चुका है। आपको इसको दबा कर घुमा कर लगा देना होगा। इसके बाद फिर हमें 3 इंची का निप्पल काटना होगा, तो देख सकते हैं हमारा 3 इंची का निप्पल कट चुका है। अब यहाँ पर हमें इसको भी आपको लगाकर जाम कर लेना होगा सुलेशन लगाकर। तो ये भी हमारा जाम हो चुका है। अब हम यहाँ पर यूनियन लगाएंगे 1 इंची में, तो हमें दोनों तरफ सॉल्वेंट लगा लेना होगा। इसके बाद हमें इसको भी दबाकर जाम कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर फिर हमें 3 इंची का निप्पल कट करना होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो रबड़ होता है आपको ध्यान देना होगा, कट नहीं रहना चाहिए इसमें, नहीं तो यूनियन में आपका पानी लीक करेगा, इसका आपको ध्यान देना ही होगा। और यहाँ पर जो हमारा एल्बो लगा है ये आप यहाँ पर टी भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा 3 इंची का निप्पल लग चुका है। इसके बाद टी आपको इसी तरह से लगाना होगा, या तो टी आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं कुछ इसी तरह से, लेकिन हमारे पास ईट है इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर टी लगाना होगा। और यहाँ पर हमारी एयर की पाइप निकलेगी और ये हमारा एल्बो में जाकर लग जाएगा, तो आपको पाइप नाप कर कट कर लेना होगा। हमारी 10 इंची में है तो हम 10 इंची कट कर लिए हैं। आपको अपनी दूरी के हिसाब से कट करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर देख सकते हैं 10 इंची का पाइप हमें लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर एल्बो को जाम करेंगे, तो ये हमारा 1 इंची में प्लेन एल्बो है,
तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट लगाकर इसको भी जाम कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा जाम हो चुका है, आपको कुछ इसी तरह से लगा देना होगा। तो इसको भी हम जाम कर लेते हैं। तो दोनों तरफ सोल्यूशन लगा कर आपको इसको फिक्स कर देना होगा। देख सकते हैं कुछ इसी तरह से आपको भी करना है। इसके बाद हम यहाँ पर एयर पाइप निकालेंगे। एयर पाइप आपको दोस्तों टंकी से सिर्फ आप 6 इंच भी बड़ा रख सकते हैं। तो ये हमारा लग चुका है टंकी कनेक्शन। दोस्तों यहाँ तक तो हो चुका है हमारा। अब हम इसकी मोटर की सप्लाई को लगाएंगे। तो देख सकते हैं हमारी मोटर की सप्लाई है। अब हम यहाँ पर एल्बो लगाएंगे। एल्बो लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर 2 फीट का कट करना होगा पाइप लेकर, और यहाँ पर हमें लगा देना होगा। इसके बाद हमें बीच से कट करना होगा यूनियन लगाने के लिए। तो रबड़ का आपको ध्यान देना होगा, रबड़ कट नहीं रहना चाहिए। और हमें यहाँ पर सुलेशन लगाकर इसको जाम कर देना है। सॉल्वेंट आपको सही तरीके से लगाना होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर पाइप को लगाकर टंकी में लगा देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सॉल्वेंट लगाकर हमें प्लेन एल्बो लगा देना होगा, और ये हमारी टंकी में लग जाएगी। जो हमारा ओवरफ्लो का पानी होगा दोस्तों, तो हमें टंकी में यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा टेक नेपल लगने के बाद हमें पाइप लगा देनी होगी ओवरफ्लो के लिए, और हमारा जो पानी होगा वो आना शुरू हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।